ये है रांची स्टेडियम। तो ये स्टेडियम का भारत, ये ऐसे अकेले सैनिक बचे थे पूरे अपने प्लाटून में, जिन्होंने 350-400 सैनिकों को, चाइनीज सैनिकों को मौत की घाट उतारा। अलग अलग जो माउंटेन एरिया है सबका नाम यहाँ पे मेंशन, हिमालय पर्वत। रोड ब्लॉक हो गई थी तो यहाँ पे बड़ी मशक्कत के गाय माता मारना मत मुझे। यहाँ की मान्यता है और आप यहाँ के खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो। तो चलिए अभी हम देखो आप क्या कहते हैं, भूल गए यार, चलो छोड़ो ना, बाद में याद आएगी तो मैं आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है। तो फिलहाल आप, कितना शानदार एरिया है, नीचे स्विमिंग पूल तो नहीं है शायद, फाउंटेन है इधर नीचे, ये फाउंटेन लग रहा है, ये फाउंटेन ही है। अकेला जा रहा हूँ तो आई डोंट नो कि आगे किस तरह के जंगली जानवर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं पता, पर फिर भी हिम्मत करके जा रहा हूँ, बस बसरते चीता नहीं मिलना चाहिए। पहाड़ में चीता का थोड़ा भय होता है, आदमखोर का भय होता है। और ये झूला, ये देखो देवदार के पेड़, और उससे बीच सड़क होते हुए चढ़ाई चढ़ रहा हूँ अभी महादेव के मंदिर के लिए, और मैं आ चुका हूँ नीचे से 500 मीटर हूँ अभी, तो 1500 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर और चढ़ना है। बाबा आप हमेशा ऊपर पहाड़ पे क्यों बसते हो? पीछे मुझे बच्चे मिले थे तो मैंने पूछा कि यहाँ कोई भाग वाग का डर तो नहीं है, बोले आप कोई टेंशन मत लीजिए, आराम से जाइए, बेफिक्र होके जाइए, ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लेपड़ का डर रहता है ना, अकेले को देख के वो अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कान में कुछ, एक कान मेरा बंद हो गया ठंड के मारे। तो अब देवदार का जंगल, जो घना घोर जंगल था पीछे, वो समाप्त तो नहीं हुआ थोड़ा बहुत है, तो अभी बांझ का जंगल लग गया, चीड़ का, थोड़ा सा चढ़ाई है तो चढ़ाई चढ़ी रहा हूँ मैं। पीछे देखो जंगल घना घोर, देवदार का जंगल, बुरांज बांस, बांझ 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 बुरांस बांझ का जंगल, इधर चीड़। जनवरी के महीने जो कड़ाके की ठंड पड़ती है ना, उस टाइम यहाँ पे तकड़ी बर्फबारी होती है। तो आना कभी आप इधर, बहुत अच्छा है, टूरिस्ट प्लेस है पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी मुख्यालय, इधर से आप लैंसीडोन जो 800 मीटर आगे में, जो गढ़वाल रेजिमेंट का सेंटर है लैंसीडोन, यहाँ से आप जा सकते हो, वो भी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो आपके वहाँ पे भोले बाबा भी मिल जाएंगे, यानी कि ताड़केश्वर महादेव,
जब गुलाम भारत था उस टाइम पे यहाँ पे अंग्रेज़ों की राजधानी हुआ करती थी। तो ये आगे के लिए रोड निकल गया किंकलेश्वर महादेव के लिए और इधर के लिए। ये है रांची स्टेडियम, गढ़वाल के आइकन हीरो शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह। काम चल रहा है इधर सामने, मशीनें लगी हुई हैं, काम चल रहा है। तो जब बनेगा, हाँ लगाए देखो ना, इधर 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 देखो ये काम कर रहे हैं, उधर सामने भी काम कर रहे हैं, इधर भी काम कर रहे हैं। तो ये स्टेडियम का बाहर का नज़ारा है। यहाँ से सामने आपको जो दिख रहा होगा ये बादल लगे हुए हैं, ये हिमालयन रेंज है, पूरा हिमालय पर्वत दिखता है। मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो अभी कोहरा लगा है, बादल लगे हैं, उधर तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अच्छा व्यू आता है जब नॉर्मल वेदर होता है तो अच्छा व्यू आता है। तो स्टेडियम का ये ऊपर कैसे, ऊपर का मेरे ख्याल से ऊपर पहाड़, ऊपर कोई रास्ता होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जिनको महावीर चक्र मिला है, तो चाइना वार हुआ था उस टाइम में शहीद हुए थे, लेकिन अभी तक इनको ऑन ड्यूटी का दर्जा है। और ऐसे कहते हैं, आप गूगल करके भी इनको सर्च कर सकते हो, तो इनके बारे में आप अच्छी तरह पढ़ सकते हो गूगल पे। तो मैं बता दूं आपको कि जसवंत सिंह वैसे गढ़वाल कुमाऊं के रेंज में हर कोई इनको जानता होगा, इनको जो यंग जनरेशन है वो इनको अपना आइकन मानती है, क्योंकि ये सैनिक क्षेत्र है। और मुझे याद है कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी हमारे क्षेत्र को सैनिक धाम के नाम से संज्ञा दी थी, उपाधि दी थी, क्योंकि चार धाम तो यहाँ है, देवधाम यहाँ है, देवभूमि है, लेकिन सैनिक धाम के नाम से भी हमें संबोधित किया था। तो अच्छा लगा था सुन के। तो मैं जसवंत सिंह के बारे में कह रहा था कि जसवंत सिंह रावत एक अकेले सैनिक थे। मैं बता दूं कि जब हमारा चाइना के साथ वार हुआ था तो ये ऐसे अकेले सैनिक बचे थे पूरे अपने प्लाटून में, जिन्होंने 350-400 सैनिकों को, चाइनीज सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। ऐसे कहते हैं कि ये जिस जहाँ पे जिस लोकेशन पे थे, जहाँ पे बंकर थे इनके, दो बंकर थे, तो कभी इधर जाके फायरिंग करे, कभी इधर जाके फायरिंग करे, तो ये फायरिंग करते तो चाइनीज सैनिक समझ नहीं पाए कि कहाँ से फायरिंग आई, हो सकते उनके ज़्यादा सैनिकों वहाँ पे। तो इन्होंने अकेले वहाँ के चाइनीज़ के 350-400 सैनिकों को मौत के घाट हो रहा था। उसके बाद उनको परमवीर चक्र मिला, फिर हालांकि खुद शहीद हो गए थे। तो कहते हैं कि डेली इनके जो अर्दली हैं, इनकी ड्रेस प्रेस करते हैं, इनके सूट पॉलिश करते हैं वगैरह वगैरह, जो भी उनका रूटीन होता है फौज में, जो भी है मुझे नहीं पता, वो सब अभी कंटिन्यू चलता है। तो अभी इनका रैंक बढ़ गया है, एज ए गूगल में मैंने जो पढ़ा है उसकी वो मैं बता रहा हूँ आपको। व्यू ऑफ हिमालयन पीक फ्रॉम पौरी, तो इधर सब मेंशन किया हुआ है, आपको शायद दिख रहा है, अलग अलग जो माउंटेन एरिया है सबका नाम यहाँ पे मेंशन है। अब मैं थोड़ा सा नज़दीक करके दिखाता हूँ, ये हिमालयन रीजन का ये जो हिमालयन पीक का जो एरिया है वो सब यहाँ पे दिखाया गया इस बोर्ड में, और यहाँ से आप देख सकते हैं अपनी आँखों से वीडियो के माध्यम से। हालांकि अभी बादल लगे हुए हैं, कोहरा लगा हुआ है, तो हिमालय पर्वत नहीं दिखेगा आपको, लेकिन व्यू ज़रूर दिखेगा। तो सामने नीचे पौड़ी है, ठीक है, ये पूरा पौड़ी का एरिया नीचे, और सामने हिमालय पर्वत। और सामने हैं मेरे भोले बाबा किंकलेश्वर महादेव, ठीक सामने वहाँ पे जाएंगे हम, बाबा के दर्शन करेंगे और फिर वापस पौड़ी बाजार लेके जाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो चलिए,
ये पहाड़ बारिश में दरक गया, नीचे ही रोड ब्लॉक हो गई थी, तो यहाँ पे लग रहा है। साफ करने के लगा हुआ है, रोड को खोलने के लिए बुलडोजर यहाँ पे काम कर रहा है। बड़ी मशक्कत के साथ मैं पहुँच चुका हूँ भोले बाबा के चौखट पे, बाबा किंकलेश्वर महादेव के चौखट पे। क्या हुआ? अरे यहू नंदी महाराज कुछ नहीं मेरे पास। हाँ गाय माता, मारना मत मुझे, चल। वो सोच रही कुछ दे रही है ना, कोई चल गई। जय हो बाबा भोलेनाथ आपकी। ये दो रास्ता देख रहे हैं ना आप, ये ग्रीन ग्रीन, ये बारिश में बड़ा दिक्कत करता है, फिसलन वाला रास्ता होता है ये बेसिकली। जय हो बाबा आपकी। हे बाबा, पहुँच गए हम बाबा के धाम किंकलेश्वर महादेव। नंदी महाराज इधर, किंकलेश्वर महादेव जी। जय हो महाराज आपकी, मेरे नंदी महाराज विराजमान बाहर। जय हो भोले बाबा। अंदर का आपने दर्शन कर लिए हैं और अब आगे चलते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो कंकलेश्वर महादेव है यहाँ पे, इनका प्राकृतिक का जो कारण था वो ये है कि, चलो पहले आपको आगे दर्शन कराते हैं भगवान जी के, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको यहाँ में, यहाँ भोले बाबा का प्रकट होने का कारण। हमारे गुरुदेव भगवान, हमारे इस, जय हो भगवान जी आपकी, ये माँ लक्ष्मी के साथ हमारे इष्ट जो कि अभी क्षीर सागर में रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि चतुर्मास है और कहा जाता है कि चतुर्मास में सृष्टि की बागडोर भोले बाबा के हाथ में होती है, क्योंकि ये चतुर्मास में ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में और भगवान विष्णु क्षीर सागर में आराम फरमा रहे होते हैं, रेस्ट पे चले जाते हैं, तो इसलिए चतुर्मास में भोले बाबा के हाथ में बागडोर होती सृष्टि की। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे जब दुनिया में एक मात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे यमराज ने तपस्या की थी और तपस्या करते करते वो कंकाल रूप में आ गया था, तो भोले बाबा उनसे प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया था कि मैं आपके रूप में यहाँ पे पूजा जाऊँगा, इसलिए यही कारण है कि यहाँ पे भोले बाबा आए प्रकट हुए और उनके स्वरूप में कंकलेश्वर महादेव के स्वरूप में पूजे जाने लगे। तो ये यहाँ की मान्यता है और आप यहाँ के खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो, सुंदर देवदार
बांज बुरांस के जंगलों के बीच में बसे मेरे बाबा भोले बाबा कंकलेश्वर महादेव। जिनका यहाँ प्राकट्य होने का जो कारण था वो आपको बताया। आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हो, गूगल में ये सब आपको मिल जाएगा। खूबसूरत मंदिर देवदार बांज ब्रांच के जंगलों के बीच में। जय हो, बोला काम चल रहा है थोड़ा इसलिए आवाज़ आ रही है। के दर्शन हो गए, भोले बाबा के दर्शन हो गए और अब आगे चलता हूँ। आगे ले चलता हूँ आपको पौड़ी बाज़ार, और पौड़ी बाज़ार घुमाता हूँ। चलिए